फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल कार्बोनारा फूड में फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे गलावटी कबाब, तो चलिए इसे बनाते हैं। आधा किलो मैंने यहाँ मटन कीमा लिया है और 50 ग्राम मैंने यहाँ मटन फैट लिया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ कच्चा पपीता लिया है। गलावटी कबाब बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसको मिक्सर में अच्छे से पीस लेंगे। मैं इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी, 1 टीस्पून भुना ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 चम्मच नींबू का रस, पिसा हुआ कच्चा पपीता, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 2 हरी मिर्च करके बारीक पीस लेंगे। इसको मैंने पीस लिया है। अब मैं इसके अंदर 4 चम्मच बेसन डालूंगी, 1 टीस्पून पीसी मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स करके 7 से 8 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। जब तक गलावटी कबाब मैरिनेट हो रहा है, हम यहाँ पे अपनी ग्रीन चटनी रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार कर लेते हैं। जार में अब हम 1 मुट्ठी पुदीना डालेंगे, 1 मुट्ठी हरा धनिया, साबुत लाल मिर्च, 4 हरी मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 3 जवे लहसुन के, 1/2 चम्मच ज़ीरा, इन सबको इसमें ऐड कर देंगे। चटनी को अच्छा सा टेस्ट देने के लिए मैं इसके अंदर 1 चम्मच गाढ़ा दही डालूंगी। पानी की सहायता से इसे कबाब का शेप देंगे। इसे कम तेल में धीमी आंच पर हम फ्राई करेंगे, हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे। गलावटी कबाब अब तैयार है। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।